is your boy Prashant and back again with the new vlog. Okay, so guys, आज मैं जा रहा हूँ finally चोर बाजार. जैसे कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स में बताया गया था कि भाई चोर बाजार जाओ, चोर बाजार जाओ. तो फाइनली आज मैं चोर बाजार के लिए विजिट कर रहा हूँ यहाँ से. और जैसे आपको पता होगा कि चोर बाजार में फर्स्ट कॉपी मटेरियल आपको मिलता है, जैसे फ़ोन हो गए आपके, आईफोन्स, सैमसंग, ये सब वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि फर्स्ट कॉपी होती है, ज़्यादा अच्छा कॉपी नहीं होती वहाँ की. तो आज मैं वहीं पे जा रहा हूँ और जैसे कि आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में थोड़ा सा, तो ऐसे ही मैं आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स जो भी होंगे वहाँ पर उसकी अच्छे से इसके प्राइस के साथ आपको बताऊँगा, और जिससे कि आपको पता लग जाए कि वहाँ पर कैसा रेट में है जो भी मतलब सामान वहाँ पर. तो एक छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया है और ये चोर बाजार है दिल्ली का जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ इस वीडियो में. दिल्ली का चोर बाजार है ये, और जो कि कनॉट प्लेस के चोर बाजार है, कहाँ वैसे मैं एड्रेस भूल गया. हाँ, नियर रेड फोर्ट, चांदनी चौक, ओल्ड दिल्ली, उसके पीछे वहीं पर है. और उसकी टाइमिंग है 4 से 6, और उस ये नहीं कि हर वक्त खुलता रहता है, वो सिर्फ संडे को वो खुलता है वहाँ पर. और चलो चलते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना, बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ और देखना कैसे लगे. अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, और मैं कुछ लेके भी आऊँगा वहाँ से. सो लेट्स स्टार्ट बेबी, और सब्सक्राइब करने बगैर तो जाने मत. नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन लिख रहा होगा रेड कलर में, उस पर कुछ भी करो, उस बटन को प्रेस करना ही करना है. हथौड़ा फेंक के मारो, बाल्टी फेंक के मारो, कुछ भी मारो उस पर, उसे प्रेस करना ही है. ठीक है, जब भी चले गया वीडियो, ठीक है, ओके.
सो गाइस मैं फाइनली चोर बाजार से आ चुका हूँ। इतना लंबा चोर बाजार था वो, कम से कम 500-200 मीटर, 500 से ज़्यादा मीटर का था आगे। बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन इतनी भीड़ इतनी थी। संडे के दिन आपको भीड़ इतनी मिलेगी, और इसलिए आपको लंबा सही लग रहा था, मेरे को तो लंबा ही लग रहा था। और मैंने वहाँ पर इसलिए इंट्रो नहीं दिया और बताया नहीं कुछ अपने फेस से, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ऑड लग रहा था, क्योंकि तो इतने सारे लोग थे वहाँ पर, संडे के दिन तो वैसे भी इतनी भीड़ मिलेगी। और मैं वहाँ से लेकर आया हूँ 2 पावर बैंक्स ऑफ MI, और ये मैंने बार्गिंग करी है इसके लिए। अगर आप चोर बाजार जा रहे हो, लेकिन बार्गिंग करना तो मतलब करनी ही करनी है बार्गिंग, मतलब पैसे कम करवाए हैं किस जो भी आप लेने हैं, क्योंकि वहाँ पर लूटने के लिए बैठे हैं सारे। और जैसे मैं ये मेरे को बता रहा था, ये इसके प्राइस 200 ईच, 200 दिस वन, 200 दिस वन, सो मतलब 400 टोटल मेरे से मांग रहा था। लेकिन मैंने कहा, फिर मैंने थोड़ा कम करवा के 100 रुपीज़ ईच लिया मैंने, तो 200 के मेरे को दोनों ही पड़ रहे। तो आप समझ सकते हैं कम से कम 50% मुझको कम मिला। तो मैंने इसको यूज़ करके देख लिया है, इस पर लिख रहा है 10,000 mAh, तो ऐसे ही लग रहा है मेरे को 10,000 mAh का, क्योंकि सस्ते थे इसलिए मैंने ले लिए। अगर आपको वैसे जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो वैसे अच्छा है वहाँ पर, और फोन्स के लिए, लेकिन फोन्स बहुत ख़राब मिलते हैं वहाँ पर, ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते। जैसे आपने देखा ही होगा आईफोन कितने सस्ते रेट में थे, और वो मैंने जब यूज़ करा था हैंड्स में, और आईफोन तो पूरा पक्का लोकल था, उसके टच टच से ही पता लग जाता है कि लोकल है, फिंगरप्रिंट फर्स्ट कॉपी थी पूरी। सैमसंग तो भी थोड़ा सही था, तो बार्गिंग तो आपको करनी पड़ेगी। और यही था इसकी वीडियो में। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मजे लो भाई, मजे लो जिंदगी के।